हेलो गाइस, हम आए हुए घंटाबाड़ी के स्टेज पर। और यहाँ पर देखिए बच्चे बच्चियाँ आई हुई है, और 15 तारीख के जो चीफ गेस्ट आएंगे उनके लिए प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ आशा दी भी आई हुई है, और चलिए हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं आशा दी से, क्योंकि आशा दी हमेशा अपने धर्म के मामले में या तो समाज के मामले में हमेशा बढ़ चढ़ के काम करते हैं। तो चलिए उनसे कुछ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं घंटाबाड़ी के विशेष में। तो चलते हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं सभी कलाकार ही लोग हैं, और 15 तारीख को जो हमारे चीफ गेस्ट आएंगे उनके लिए यही बच्चियाँ लोग मने प्रोग्राम करेंगे स्वागत के लिए। और यहाँ पर मौजूद है आशा दी, और यहाँ के विशेष में कुछ पूछेंगे कि कैसा तैयारी है, और कुछ यहाँ के विशेष में मैंने लोगों को मैंने मैसेज दें। तो आशा दी कुछ बोलिए। सबसे पहले तो जोहार सबको, मैं जोहार गी। हमें घंटा बड़ी रे 3 दिवसीय 13, 14, 15 जहाँ कार्तिक पूर्णिमा गोटा हका आले नेले आसोक कना मा दिसम पेड़ा बेसते नपायते हिजुक ताबनते आपे लगीते आले आशा कना ले माने आपे पे हेज लेनका आदे अड़ी रस्का ले बुझावा नवा बुबुरु घंटा बाड़ी रे मा आपे लगी ले उन्ना ले व्यवस्थाई आ आपे को लगी ने स्वागत लगी हां गोगो को ले तैयार करना बिटी तको मा तबोन 15 तारीख कार्तिक पूर्णिमा तब उन हिलोग तो जिते को भी सुंदर पेड़ा सुसूर पेड़ा जो हे सेटर माबन और नपाय तो जो बन बुकते जोहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप सभी देख सकते हैं लुगु गुरु घंटाबाड़ी का प्रांगण को कैसे सजाया जा रहा है, काफ़ी सुंदरता देखने को मिल रहा है, और लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है। कुछ लोग पहाड़ चढ़ चुके हैं पूजा अर्चना के लिए, और 15 तारीख को जो लास्ट मेला वो लगेगी, उस समय काफ़ी तादाद में आदमी सब दिखाई देंगे। और ये सब देख यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बगोदर से अगर आते हैं तो इधर से 56 किलोमीटर है, पेटरावार से 34 किलोमीटर है लुगु गुरु घंटाबाड़ी आने के लिए, गोमिया से 15 किलोमीटर। और ये आप सभी देख सकते हैं कि दुकानें लगना शुरू हो चुका है, जैसे
धीरे धीरे दुकान लगने लगा है। अगर किन्हीं को अगर ट्रेडिशनल साड़ी लेना है तो काफ़ी तादाद में यहाँ दुकान उनका लगा हुआ है, आप सभी यहाँ आकर के खरीद सकते हैं अच्छे दामों में। और बहुत सारा वैरायटी का चीज़ यहाँ मिलेगा इस मेला में, घंटाबाड़ी मेला में। और यहाँ देख सकते हैं बच्चे के लिए भी आया हुआ है खेलने के लिए, काफ़ी बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं। तो आप सभी भी आकर यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के आएँ और पूरा एंजॉय करें, इस मेला का पूरा आनंद उठाएं। और फिर अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक ये जोहार झारखंडी सबको जोहार करते हैं।